चाहती क्या हम लोग से है? काला है। गाइस लुक एट दैट गर्ल, अमन को लगवा दिया है काम पे। पर बीवी नहीं है, बनोगी क्या? हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? अच्छा ये बताओ, ये कौन कहता है? ठीक है ये वाला, ये पहला है। तो कैसे हैं आप लोग? ये तो मुझे पता है। ठीक है और दूसरा, रुक जाओ। अच्छा हाँ, हाँ। दूसरा बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है ये दूसरा ये मुझे पता है। और तीसरा रुक जाओ, एक और आप बताना कमेंट में तीनों का। और तीसरा है, समझ रहे हो? समझ रहे हो? चौथा मैं पूछती हूँ। हाँ पूछो। अरे रुको जरा, ये लोग बता पाएंगे कि नहीं? चौथा थोड़ा मुश्किल है। चलो चार हो गए, समझ गए ना? अब देखते हैं कौन आंसर देता है। चलो भाई तुम्हारी गुड मॉर्निंग में पहला सवाल, और अगर ये आंसर दे दिए ना 21 तोपों की सलामी। तुम अंदर से तोप लाओ सारी। तुम ले आओ, अभी मैं नहीं उठा सकती इतना सारी तोप। आप बहुत रूड है मेरे साथ। चलो गाइस अभी बस हम लोग निकल रहे हैं। कहाँ निकल रहे हैं गाइस? एम्स्टरडैम जा रहे हैं, क्योंकि यार वहाँ की इकोनॉमी बहुत लो हो गई है और हमें सरकार ने बुलाया है कि हमको 40 करोड़ मिले उनको प्रमोट करने के लिए। वैसे कम दे रहे इस बार, पर हम पैसे के भूखे नहीं है। तो चलो चलते हैं। नहीं गाइस, तो हम लोग निकल रहे हैं। बस अमन जाएगा काम पे और मैं जाऊंगी अपने रूटीन चेकअप के लिए, एंड देन मैं घर आ जाऊंगी, अमन वहीं से अपने काम पे निकल जाएगा। ओके गाइस चलो चलते हैं। ओके बाय। वहाँ देखिए सुनाटरा आके खड़ी हो गई है, रेडी है जाने के लिए हमारे साथ। ये देखो अमन एक्टिंग कर रहा है इसको डांटने के लिए। क्या कर रहा है तुम? उसको क्या कर रहे थे? दूर से लग नहीं रहा था कि डांट रहा हूँ। हाँ, ऐसा लगता था जो शीशा बंद होता है उसे सुनाई नहीं देता। तो ऐसा लग रहा है, अब ये चाहती क्या हम लोग से है? अब देखो ये देखो ये देखो ये चलने लग गई। लोगों की जीवन की शांति भंग कर, ये रेडी है हमारे साथ चलने के लिए। तो गाइज इति मैम निकल रही है घर और मैं बस बगल में वापस जा रहा हूँ काम पे। ये देख भाई को कितना चमक रहे है ना, और कितना सुंदर। ठीक है बेटा अगली बार आना अंडा मांगने। भाई इतनी गर्मी है ना, तो कुत्तों को देखा नहीं है नाली में एकदम लपट जाते हैं, हीरा भी खीरा भी सब नाली में लपट के आ रहे हैं और कूदने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब डांटो कि प्यार करो समझ में नहीं आ रहा। प्यार तो बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा दूर ही हूँ, पर पार्टी तो देना पड़ेगा। क्या बहुत गंदे लग रहे हैं पर बहुत प्यारे भी लग रहे हैं। नाली में नहा के और भी ये देखो हीरा सब खा भी चुका उसके बावजूद हीरा। और मेरा जीरा तुमको तो सबसे ज्यादा देंगे। ठीक है आ जाओ तुमको भी। एक मिनट दोस्त, एक मिनट। सो गाइस लेट्स गो होम एंड रुइन इति कॉर्नर्स पीस, क्योंकि शांति से मैं उसको रहने नहीं दूंगा। और शांति तुम्हारी याद आ रही है। इति जोक था, मारना मत प्लीज। मैं एक जोक, शांति कोई है नहीं यार, पता लगा मजाक कर रहा हूँ। ठीक है एंड गाइस वट एवर यू डू लिव अ हेल्दी लाइफस्टाइल। उल्टा सीधा मत खाना, मैं ये खा रहा हूँ एंड इसको देखने के बाद इट्स अ चैलेंज टू यू। आप हेल्दी रहो, मैं अपने लिए नहीं खा रहा हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ललचा ललचा के दिखा रहा हूँ। आप मेरे को चैलेंज करो, हम आपकी तरह नहीं है। ठीक है मैं खा रहा हूँ, आप मत खाना। सो गाइस इति कॉरव इज इरिटेटेड, क्योंकि इसके पीछे पड़ी है मेरी जैकेट और इसके बगल में यहाँ पे पड़ा था मेरे सॉक्स, फ्रेश सॉक्स, मेरे खूबसूरत मोजे। वैसे भी मैं अगेंस्ट थी रूम के अंदर डाइनिंग टेबल रखने के, ये कोई सेंस नहीं बनता। हॉल तक थोड़ा सा चल के जाके आप मेहनत करके खाना खा सकते हैं, बट आपको रूम के अंदर ही डाइनिंग। एक सेकंड पहले विश तो कर दूं। एक सेकंड गाइस, हैप्पी वर्ल्ड कंप्लेनिंग टू ऑल द मेन आउट देयर हु आर लिविंग एंड हु विल डाई सूनर बिकॉज़ ऑफ द कंप्लेंट्स जो उनकी वाइफ कर रही है। एक सेकंड, हां आओ मेरी शिकायत सुनते हैं दोस्तों। डाइनिंग टेबल पे हमारे क्या पड़ा होता है? अमन के ये कपड़े, अमन के मोजे और ये मच्छर मारने का बैट, ठीक है, थोड़ी बहुत दवाइयाँ, टिश्यू रोल, काला हिट, डाइनिंग टेबल पे रखा हुआ है। ओह माय गॉड गाइस यू विल नॉट बिलीव, आज कसम खा रहा हूँ इत्तेफाक है कि ये सब सामने पड़े। एक बार बताऊँ, जब कमरे से बाहर से अंदर मोजा लाया तो मैं अंदर जा रहा था, उतने में मैंने यहाँ रख दिया। बैट ये लाई है, इसने यहाँ पे रखा है। पर्स रखना तो डाइनिंग टेबल पे ही है, क्योंकि लंच में हम तो पर्स खाएंगे। और बताता हूँ, रुक जाओ। और मैडम को ये खाना है सेब, हींग सेब, और ये सॉल्टी सेब, और ये एक तो एक और बात बता दूं, कमरे में अगर एक मच्छर आ जाए ना तो तिलमिला जाती है मैडम। तो क्यों ना रखूं बैट भाई, क्यों ना रखें हिट, क्योंकि जैसे ही हिट आता है कुछ भी रात के 12-1-2 बजे भगवान कसम एक मच्छर आ गया तो बोलती देखो मच्छर तुम्हारी वजह से, मैंने ही दरवाजा खोला, मच्छर आ जा। इतनी शिकायत क्यों कर? डाइनिंग टेबल पे खाने का सामान होता है ना, तो ये स्नैक्स तो तुम छोड़ ही दो, और बैग इसलिए क्योंकि आज मैं गई थी डॉक्टर के पास। और ठीक है ये सॉक्स कब से पड़े ये बताओ, सॉक्स कब से पड़े? ये हटेगा तो दूसरा स्लॉट आके रखा ऐसा इतनी होता है। देखो कंप्लेन मत करो, डेली अपनी डाइनिंग टेबल की पिक्चर भेजने वाले। सो ऑल ऑफ अ सडन अपने पति से प्यार करने आ गई है मैडम।
हैं? प्यार यार करने नहीं आ रही हूं। लेकिन रिक्वेस्ट तो कर रही है कि नहीं कर रही है? तो गाइस अपन चाय पीना चाहता है। हाँ। लेकिन ये तो कितनी रात में चाय के पी रहे हो, तुम कोकोनट वाटर पियो। कोकोनट वाटर मुझे नहीं, मतलब क्या हुआ? क्या हुआ कि तुम उसे प्यार करती हो जी? चलो आ गई गाइस, लुक एट दैट गर्ल, शी इज क्रेजी फॉर मी यार। अपनी बात इतनी गौरव चाह रही है कि मैं इनके लिए नारियल तोड़ दूं। देखो अंदर गरी है, दिख रही है भाई? बहुत सारी गरी है, तो मैं चाह रही हूँ कि अमन ये वाला कोकोनट भी पी ले और फिर एक साथ सारे। देखो ये बोल रही है मैं नारियल पानी एक और पीऊ जबरदस्ती, ताकि उसके अंदर की गरी ये खा सके। मुझे खुला हुआ है ना, इसलिए अमन को लगवा दिया है काम पे। मिशन सक्सेसफुल, जो मैं करवाना चाहती थी वो हो गया। मैं सुबह से वेट कर रही थी अमन का कि अमन आए और ये काम करे। तुम्हें एक टास्क देती हूँ, अब तुम्हें एक सेल्स पर्सन की तरह काम करना है, ठीक है? और तुम्हें मुझे कन्विंस करना है, जैसे मैंने तो तुम्हें कन्विंस कर लिया अपना काम कराने के लिए, अब तुम्हें मुझे कन्विंस करना है कि ये जो नारियल की गरी है मैं तुमसे खरीदूं। जैसे तुमने कन्विंस किया एक बार, मैं भी वैसे कर सकता हूं एक बार। प्लीज, मैंने कैसे किया? प्लीज खरीद लो, नहीं तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। अच्छा ऐसे किया तुमने, तो ऐसे किया थोड़ा, नहीं तो मैं बात नहीं करूंगी। बट अब तुम सेल्स पर्सन हो तो अब तुम ऐसे नहीं बोल सकते। तुम बगल से जा रही हो कि तुम मेरे सामने दुकान पे आई? मैं तो सामने खड़ी हूँ और किसी दूसरी। ए रुको, ये क्या कर रहे हो? फिर तो मैं तो चमाट मारूंगी। ये देखो, मत करो। हेलो मैडम, यहाँ क्यूट शक्ल दिखाने से नारियल ही बेचते हैं हम। तो सुनो, मैं जैसे तुम्हारी शॉप के ही साइड वाले शॉप पे मैं जूस पी रही हूँ और तुम्हारा ठेला बाहर साइड में लगा। तो ठेले तो होगा साइड में लगा है तुम्हारा ठेला। अगर तुम जूस पी चुकी हो तो फिर नारियल पानी क्यों पियोगी? तो गरी है ना, कौन सा नारियल पानी पी रही हूँ? ये गरी है। तुम्हें कन्विंस करना है ना कि मैं ये लू तुमसे। रोल कैमरा एक्शन। अरे मैडम क्या ये गजब बेटा जूस पी रही हो, इतना गर्मी का मौसम है, अगर नारियल पानी नहीं लोगी या नारियल भी चलेगा अगर पानी ना हो तो। हमारे यहाँ का नारियल मैम पूरे इंडिया में फेमस है, लोग आते हैं, देखिए कितना चमक रहा है, और अंदर से आप ठंडी हो जाएंगी, एकदम खुश माहौल रहेगा और पति को भी सुखी से जीने देंगी। आइए हमारे यहाँ का नारियल लीजिए, जबरदस्त, समझी? अरे बाप रे, बट आपने तो मुझे डरा दिया ना, अब मैं कैसे, आप मैं तो भाग जाऊंगी। तो प्यार से कर रहा हूँ, ठीक है प्यार से कर लेते हैं। मैम कब तक किसी की दुकान से जूस पिएगी, जब कोई प्यार से नारियल खिलाए और उससे नारियल ना ले तो फिर फायदा ही क्या है? भाई तुम तो इतने ठरकी दुकान वाले हो, कसम से तुम्हारी पिटाई होनी चाहिए। हाँ, रहने दो। नहीं सॉरी भैया, हमें नहीं आपसे लेना, बड़े बदतमीज और वो, शर्म नहीं आती? ला तुम्हारे घर में करे तो ऐसे बोल रही हो, तुम्हारे घर तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या? बदतमीज कहीं का। हाँ ऐसे करके मैं चली जाऊंगी। माँ बहन है मैडम, पर बीवी रही है, बनोगी क्या? ठीक, इतने गंदे हो यार, इतने गंदे हो। तुमने बोला तो मैंने भी, जो तुमने बोला उसका रिप्लाई किया ना। मेरे ख्याल से मैंने अपना एक्ट बहुत अच्छे से। गाइस आप लोग बताइए, क्या आप अगर मेरी जगह होते तो कन्विंस होते दोनों ही तरीकों से? नहीं दोनों तरीकों से ना ना ना, तुमने दो तरीके दिखाए दोनों ही तरीकों से। गाइस आप लोग बताइए, क्या आप लोग कन्विंस हो गए? मैं कन्विंस तो कर सकता हूं। तो क्या कर रहे थे? नहीं, मैं सेल्समैन बना, तुम कन्विंस करने को बोलो, कन्विंस करना है मेरा क्वेश्चन। मेरे को ना, तुम बोलो कन्विंस करना है तो अलग बात है। ओके चलो एक और मौका दे, लास्ट मौका, ठीक है? ठीक है। कल से बच्चे भूखे हैं मेरे, कुछ खाया ही नहीं। मैम 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 प्लीज नारियल, बच्चे भूखे रह जाएंगे, पढ़ाई भी करनी है मैम बच्चों को। तुरंत लेगा कौन? नहीं लेगा गाइस, बताओ क्या कन्विंस किया मैंने रो धो के? अब जब मैम ने ले लिया तो मैं पीछे चलाऊंगा, बच्चे ऑलरेडी 12th पास है, बाय मैम। तो गाइस अब ये तीन तरीके हो गए, आप बताइए आपको कौन सा तरीका सबसे ज्यादा कन्विंसिंग लगा? और इसको जो तरीका पसंद आया उसके लिए वो वाला नारियल, तीनों नारियल है हमारे रेडी। यूहू देखो कितनी अच्छी निकली है। वाओ, सारा काम कराने के बाद मुझे साइड कर दी मैडम कि तुम्हारे बस का नहीं है इसको छीनना है। तुम्हारी तरह आदत होगी ना मेरी हर चीज पे क्रेडिट लेने की, अगर अच्छा रहा टेस्टी रहा तो मैं भी बोलूंगा मैंने निकाला है। लेकिन देखो इति का स्टाइल अलग है, मैं मानता हूँ। हाँ। दिखाना इति एक बार नए में अपना स्टाइल। तुम जिस तरीके से निकाल रहे थे ना, हाँ। उसमें थोड़ी सी मेहनत ज्यादा है। जैसे गाइस ये है, ठीक है, मैं क्या कर रही हूँ, पहले इसकी, पहले यहाँ से काटा, ऐसे स्लाइस बना लेते हैं, पहले स्लाइस। देखो कितना सही टेक्निक है यार, ठीक है। अगर आप लोग चाकू से ऐसे से करेंगे ना तो गलती से ऐसा भी लग सकता है हाथ में, आप इसको होल्ड करते हैं या जो भी ऐसे भी करो, किसी भी तरीके से हार्मफुल हो सकता है। तो आपने कट बना लिया, अब स्पून से करो तो क्या होगा ना, कम से कम लगेगी तो नहीं। तो ऐसी और फालतू टिप्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, समझे? मैंने इतना बढ़िया नारियल बेचा और मेरे ख्याल से कोई
नारियल पानी वाला अगर मुझे हायर करना चाहता है 4 करोड़ रुपए देके, तो प्लीज मुझे हायर कर लीजिए और गाइस सब्सक्राइब करो। भाई कितनी सही स्लाइस निकली है अनीता, हाँ, ये देखो ना कितनी अच्छी अच्छी। गुड जॉब। सो गाइस आर वी रेडी फॉर द क्वेश्चन आंसर राउंड, जो हम बहुत सॉफ्ट आज ले जाएंगे क्योंकि इतनी क्वेश्चन पूछने वाली है मेरे से। सॉफ्ट क्या ले जाएंगे, जैसे तुम पूछते हो वैसे पूछूंगी। ठीक है, और जैसे तुम बोलती हो वैसे मैं करूंगा। आप लोगों ने देखा ना जी, कहता है ना कि सिर्फ 2 सेकंड मिलेंगे, सिर्फ 3 सेकंड मिलेंगे, अब ठीक है तुम 1 सेकंड मिलेगा। ठीक है, फिर मैं भी इसी की तरह करूंगा। जो मैं जवाब नहीं दे रहा, जाओ मैं भी तो कर सकता हूँ ना। सो गाइस क्वेश्चन है, आप लोग भी अपना दिमाग लगाइएगा। ठीक है, तो एक औरत है वो अपने हस्बैंड को शूट कर देती है। ओके। और उसको 5 मिनट तक पानी में होल्ड करके रखती है। ओके। एंड देन फाइनली फिर उसको हैंग कर देती है। लेकिन हाँ, 5 मिनट के बाद या 10 मिनट के बाद हाँ, वो अपने हस्बैंड के साथ जाके ऐसा डिनर करती है, एंजॉय करती है, ये कैसे पॉसिबल है? आई थिंक दिस इज द लेमेस्ट क्वेश्चन एवर। वो कैमरे से शूट करती है ना। अरे यार, मतलब ये तो ऐसे सोच रही। एक तो उसके क्वेश्चन पूछने का तरीका देखो, एक औरत अपने पति को शूट करती है। उसके बाद लगातार क्वेश्चन पूछा ना, एक औरत अपने हस्बैंड को शूट करती है उसके बाद ये, लेकिन ये बोलते एक औरत अपने हस्बैंड को शूट करती है, जैसे कि बता रही हो आंसर शूट से रिलेटेड है। सुनो सुनो यार, क्या कर रही हो? मुझे तो लगा था ये क्वेश्चन बहुत सॉलिड है। तो गाइस दूसरा टफ क्वेश्चन भी इतनी का तैयार हो और मैं दूसरा टफ नहीं है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। मैं कोशिश करूंगा मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ के फास्टेस्ट आंसर बनूं। फास्टेस्ट आंसर देगा मुझे पता है। ठीक है, क्योंकि जो पहला क्वेश्चन था वो मेरा मेन क्वेश्चन था। क्वेश्चन फास्ट थी, जल्दी दूसरा। ओके, मैं बहुत तेज बोलूं को देख रहा। इंग्लिश लैंग्वेज का एक ऐसा वर्ड सेवन ओवर कॉन्फिडेंस। नहीं आंसर ये नहीं है क्या? सेवन क्या? सॉरी क्वेश्चन बता दो अगली बार, क्या पता ये मुझसे ही पूछ ले। क्वेश्चन तो बताओ सेवन क्या। कई लोग समझ गए होंगे क्या, नहीं क्वेश्चन पूछो। सॉरी अब अच्छे से सुनना ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज का एक ऐसा वर्ड जिसके फर्स्ट 2 लेटर्स मेल को सिग्निफाई करते हैं, फर्स्ट 3 फीमेल को, फर्स्ट 4 एक ग्रेट मैन को, एंड पूरा वर्ड, पूरा का पूरा वर्ड एक ग्रेट विमेन को सिग्निफाई करता है। एक तो ही हो गया, ठीक है, वो हो गया शी, ठीक है, और ग्रेट मैन को ही मैन। ही मैन औरत तो हुई नहीं, तो लास्ट में ना ग्रेट ही आ गया, शी आ गया। सचो ये तो मेरा बैकअप क्वेश्चन था। सचो नहीं बता रहा आंसर, मुझे ही पता है। टाइम दे सोचने दो। टाइम दे दिया, रैपिड फायर था एंड फास्टेस्ट आंसर करना। सॉरी की आवाज इतनी चुप रही है ना तेरे कान में। ऐसे गाने गाता है जब मेरे पे आता है कोई क्वेश्चन, सोचने नहीं देता। यूहू हार मान लो, चल हार। 2 मिनट दो, चुप यार। तू भी क्या याद रखेगा? मैं जवाब देती हूँ, तू भी क्या याद रखेगा? 1 eternity later। तो गाइज मैं आंसर शायद ना दे पाऊँ, पर सबसे बड़ी लूजर ये, मैं इससे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मुझे एक हिंट दे दे, तो ये दे नहीं रही है। बोलिए तुम पहली बार तो हार रहे हो, तो मेरा दिल दिल नहीं है क्या? मैं इससे बोल रहा हूँ, मेरे को क्या ऑडियंस को भी हिंट चाहिए? तो क्या मैं नहीं हारती हूँ? मैं भी तो पूरा भी हिंट लेती हूँ। हमारी ऑडियंस को हिंट दे दे, मेरी माँ मेरी ऑडियंस को हिंट दे दे। तो ऑडियंस को तो क्या सीधा जवाब दूंगी? नहीं प्लीज प्लीज दे दो, प्लीज दे दो यार। नो हिंट। और तुमने कल भी मेरे साथ ऐसे किया था कि नो हिंट, अगर मैं हिंट दे दूंगा तो ये हो जाएगा वो जाएगा। नहीं, ही शी से रिलेटेड है तो हाफ तो मैं सही हूँ। और मैंने इसको अच्छा खासा टाइम दे दिया कि चलो ठीक है तुम सोच लो, कल सुबह तक रुक सकते हैं। अच्छा वाह बेटा, चलो हर वाली 3 तक काउंट करती हूँ, तब तक आप सब्सक्राइब भी कर लो। हाँ 3, 2, 1 So guys, answer है heroine। कैसे? First 2 letter he, first 3 letters her, first 4 hero and then heroine। यूहू यार। अच्छा मैं मुझे लगा था ये 1 सेकंड में देगा। मैं ही कर रहा था, ये सही कर रहा तो था। तो ये करे तू बड़ हाँ तू कैसे? मैंने इसको बोला स्टार्ट तुम्हारा सही है ही है ना, और फिर ये बार बार ही शी शेफर्ड पता नहीं क्या क्या कर रहा था। मैंने कहा यार फिर ऐसे में फर्स्ट वर्ड ही तो नहीं बन रहा ना, तो मैंने इसको इतना तो क्लियर हिंट दे दिया था गाइज ऑफ कैमरा कि नाम जो है ही से ही स्टार्ट। बहुत अच्छी वाइफ है मेरी गाइज, ठीक है। तो एच ई में क्या ऐड करो कि वो फीमेल को सिग्निफाई करे? हर और शी ये दो ही तो होता है। इसी बात में सब्सक्राइब कर दो। आज का व्लॉग हम यही एंड करते हैं,
do like, share, subscribe and press the bell icon and follow us on Instagram. Good night guys. Bye bye.